हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर एस एंड्रॉइड गेमिंग ग्रुप। सीजन 11 आ चुका है और आपको मैं बताऊंगा सीजन 11 में क्या क्या मिशंस दिया गया है। चलिए पहले देखते हैं सीजन 11 का ट्रेलर। तो दोस्तों, आपने सीजन 11 का ट्रेलर देख ही चुके हैं। चलिए हम आते हैं वीक 1 मिशंस के बारे में बताएंगे उसमें क्या क्या मिशंस सीजन 11 में दिया गया है। मैंने रॉयल पास खरीद चुका हूं, उसके मिशंस जो 4 मिशंस है उसके बारे में बताऊंगा और बाकी के नॉर्मल 6 मिशंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीक 1। वीक 1 में पहला मिशन है, पहला जो 4 मिशंस में बताने जा रहा हूँ वो 4 रॉयल मिशंस है। तो इसमें एक नया फीचर्स दिया गया है, तो दिया गया है वो क्या है इसमें देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर टाइप दिया है, आप मिशन टाइप को चूज कर उसका कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो जो मैचेस खेल कर आपको किल्स करना होगा तो वो मिशंस पहले आ जाएगा, जो आपको उठाना होगा उतरना होगा उसका मिशन यहाँ पर आ जाएगा, आपके दोस्तों के साथ खेलना होगा तो उसका मिशन यहाँ पर आएगा। अगर किसी मैच में किसी जगह पर छत पर उतरना होगा उसका मिशन अलग में आ जाएगा। इस तरह से अगर कोई इमोट भी आप यूज करते हैं वो भी एक अलग मिशन में आता है। ये सारे मिशन कैटेगरीज यहाँ पर दिया गया है और भी बहुत सारे कुछ नए नए चीज़ दिया गया है तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं पहले नॉर्मल मोड में ही आ जाता हूँ। तो पहला रॉयल आरपी मिशन है पिक ऑफ M24 ओवर 3 मैचेस इन क्लासिक मोड। आपको सिर्फ M24 ढूंढना होगा क्लासिक मैच में, 3 मैचेस खेलिए और 3 बार M24 उठा लीजिए तो आपका ये कम्प्लीट हो जाएगा। नंबर 2, डिस्ट्रॉय 10 व्हीकल टायर्स इन क्लासिक मोड। गाड़ी तो आप लोगों को मिल ही जाता होगा तो उसके टायरों को आपको शूट करना होगा, तो 10 टायर्स को शूट करना होगा, आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 3, रिस्टोर 1000 हेल्थ इन क्लासिक मोड। मेड किट्स सब कुछ आपके पास होगा तो वो जब गोली खाएंगे, जब रिवाइव करेगा अपने आप को, तब 1000 हेल्थ रिस्टोर हो जाएगा, ऐसे खेलते खेलते हो जाएगा। नंबर फोर में एक ट्विस्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 मिशंस के बारे में लिखा हुआ है। दरअसल आपको कोई भी एक मिशन करना होगा। दरअसल ये रॉयल आरपी का सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाला मिशन है, आप देख सकते हैं 150 पॉइंट्स। तो इसलिए पहले क्या होता था, पहले एक ही मिशन दिया करता था, अब नए अपडेट के साथ PUBG वालों ने इसमें 3 मिशंस डाल दिए। अब 3 मिशन में आपको जो आसान लगे वही आप चूज कर कंप्लीट कर दिएगा तो वो बहुत इजी होगा। इसमें सबसे ज्यादा इजी है, क्या क्या दिया है मैं पहले बताता हूँ। जैसे लिखा है यहाँ पर कंप्लीट 10 मैचेस विद फ्रेंड्स इन क्लासिक मोड, कंप्लीट 20 मैचेस विद फ्रेंड्स इन टीम एरिना, कंप्लीट 10 मैचेस विद फ्रेंड्स इन पेलोड। दरअसल टीम एरिना एक नया मोड है, उसमें 20 मैचेस खेलने होंगे। कंप्लीट 10 मैचेस विद फ्रेंड्स इन पेलोड भी बहुत लोग खेलते होंगे, आपको जो पसंद आए इसमें खेलिए। जैसे इसमें 3 मोड्स के बारे में दिया है, एक क्लासिक मोड, एक इवो ग्राउंड और एक पेलोड, आपको जो भी पसंद आए। मेरे को लगता है कंप्लीट 10 मैचेस विद फ्रेंड्स इन क्लासिक मोड ये सबसे आसान होगा क्योंकि क्लासिक मोड बहुत लोग खेलते हैं, टीम एरिना और पेलोड से ज्यादा खेलते होंगे, तो इसलिए वही सबसे बहुत बढ़िया आसान है, आपके दोस्तों के साथ खेलिए और इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो हम लोग आते हैं अब नॉर्मल आरपी मिशन से। नॉर्मल आरपी मिशन का पहला मिशन है
जो आप देख सकते हैं वो पहले मिशंस की तरह ही है जो 4 नंबर में बताया। ये भी सबसे नॉर्मल मिशन में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स का है, 100 पॉइंट्स। इसमें भी 3 मिशंस दिया गया है, इसमें जो भी आपको पसंद आए वही कंप्लीट करना होगा। जैसे आप अगर एरंगल खेल रहे होगे तो स्कूल में उतरिए, उसके छत पर उतरिए, एकदम स्कूल के छत पर उतरना होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। शानक में हाथीन के छत में बहुत सारे घर है, वहाँ पर कोई भी घर में घर के छत के पर उतरिए तो कंप्लीट हो जाएगा। वेकेंडी, वेकेंडी एक नया मिशन है। दरअसल वेकेंडी में रूफ टॉप में उतरने का कोई मिशन नहीं दिया था पहले, अब ये दे रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो उसमें कैसल है एकदम बीचों बीच, बहुत बड़ा कैसल, उस कैसल के बीचों बीच उतरना होगा तो उतरने से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका नंबर 2 में आता हूँ, एट 5 फ्रेंड्स, दोस्त बनाइए आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 3, विन ए क्लासिक मैच वन टाइम व्हाइल वेयरिंग ए स्पेन स्नैक्स हेलमेट। आपको लेवल 3 हेलमेट पहनना होगा, वो भी इस नाम का हेलमेट। कभी नाम तो मैंने पहले नहीं सुना है, मगर लेवल 3 का हेलमेट होना चाहिए। तो हो लेवल 3 का हेलमेट पहनिए और उसे कंप्लीट करिए। नंबर 4, किल 16 एनिमीज विथ एसल राइफल इन एरंगल इन क्लासिक मोड। एसल राइफल तो आप लोग यूज करते ही होंगे, AKM, M416, M16A4, ऐसे बहुत सारे एसल राइफल। 16 लोग को मारना होगा, क्लासिक मोड में खेलना होगा और एरंगल मैप खेलना होगा। नंबर 5, किल 5 एनिमीज विथ पिस्तौल इन एनी मोड। पिस्तौल तो हमेशा मिलता होगा, मुझे भी बहुत बार मिला है, क्योंकि वो उतरने के बाद ऐसा राइफल तो मिलने से बदले पिस्तौल मिल जाता है, उससे ही काम चलाना पड़ता है, इसलिए पिस्तौल से आप लोग मार सकते हैं। एनी मोड का मतलब है आप कोई भी मोड खेलिए, वो इवो ग्राउंड, वो क्लासिक मोड, कोई भी खेलिए, कोई भी मोड खेलिए तो ये कंप्लीट हो। नंबर 6, गिव 20 लाइक्स टू टीम। ये काफी आसान है, आप स्क्वाड में खेल रहे होंगे तो आपके टीममेट्स को लाइक्स दे दीजिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस कैसा लगे ये सारे मिशंस, आप लोग समझ चुके हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और वीक 1 का जो क्रेट है ये आप को मिल जाएगा। वीक 1 का क्रेट मिलने के लिए आपको 10 मिशंस करने होंगे, इसमें से 10 मिशंस। जिसके पास रॉयल आरपी मिशन है वो तो उसके पास 10 मिशंस है ही, ये पूरा 10 मिशंस है, 4, 6, 10 मिशंस। इसमें से 10 मिशंस कंप्लीट कर लीजिए ये कंप्लीट हो जाएगा। और डेली मिशन में तो हमेशा ही कुछ ना कुछ मिशंस आते रहते हैं, वो भी कंप्लीट करने से आपको ये वीक 1 का क्रेडिट भी काउंट होगा। जैसे मुझे दिया गया था ये डेली मिशन में किल 3 एनिमीज विथ M416 इन एनी मोड, मैंने मार दिया, मगर मैंने इसे इवो ग्राउंड में मारा है। किल 3 एनिमीज इन ए सिंगल मैच इन क्लासिक मोड, क्लासिक मोड में खेलता ही हूँ और 3 किल्स तो करता ही हूँ, तो ये भी कंप्लीट हो गया। किल 3 एनिमीज विथ G363 एनी मोड, ये मैंने TDM खेला, जो रुइंस है ना, जो नया मैप दिया था TDM का, उसमें खेलकर मैंने ये से कंप्लीट किया। पहले इवो ग्राउंड में आरपी मिशंस कंप्लीट नहीं हुआ करता था, मगर अभी होगा, आप ट्राई कीजिए, जरूर होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने 200 आरपी का क्रेट खोल चुका हूँ, क्योंकि मेरा 10 मिशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप भी कर सकते हैं ये सब, तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं फिर से वापस आऊँगा वीक 2 मिशंस के लिए।